Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School presents Smart Indian Edufun classes. Edufun online class. Hello friends, I am Santosh Singh, physical teacher of Smart Indian Model School. आपके सामने जो दिख रहा है वो तो समझ ही गए होंगे ये क्या है, यह है कैरम। तो इस वीडियो में आपको इस बार मैं कैरम के रूल बताऊंगा कि कैरम कैसे खेले जाते हैं। तो आर यू रेडी? और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़िया फिंगर बिलियर्ड्स कैसे खेला जाता है? कैरम बोर्ड को फिंगर बिलियर्ड्स भी कहा जाता है। गेम दो प्लेयर्स सिंगल्स ये चार प्लेयर्स डबल्स खेल सकते हैं। सिंगल में प्लेयर्स एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं, डबल्स में पार्टनर प्लेयर्स के एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं। कैरम बोर्ड खेलने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? एक कैरम बोर्ड, 9 ब्लैक डिस्क, 9 व्हाइट डिस्क, 1 रेड डिस्क जिसे क्वीन कहते हैं, डिस्क को कैरम मैन भी कहा जाता है, 1 व्हाइट स्ट्राइकर डिस्क। चलिए बात करते हैं कैरम बोर्ड के डिजाइन के बारे में। कैरम लकड़ी का एक स्मूथ और फ्लैट स्क्वायर बोर्ड होता है। इसके हर कॉर्नर में सर्कुलर होल होते हैं और हर होल के नीचे पीसेस को कैच करने के लिए एक नेट होता है, एक सेंटर सर्कल होता है, सेंटर सर्कल के पास एक आउटर सर्कल होता है। कैरम मैन को आउटर सर्कल के अंदर अरेंज किया जाता है। चारों साइड में बेस लाइंस होती हैं। हर बेस लाइन के एंड में सर्कल्स होते हैं जिनको बेस सर्कल कहा जाता है। कैरम बोर्ड पर चार डायगनल एरो लाइंस होती हैं, जो चारों होल्स की तरफ पॉइंटेड होती हैं। डायगनल लाइंस फाउल लाइंस होती हैं। स्ट्राइक करते टाइम स्ट्राइकर डायगनल लाइंस को टच नहीं कर सकता और आप स्ट्राइक करते टाइम लाइन को क्रॉस भी नहीं कर सकते। खेलने का पर्पस। कैरम का बेसिक ऑब्जेक्टिव स्ट्राइकर को फिंगर के साथ क्लिक करके किसी भी कैरम मैन को चारों में से एक होल में डालना होता है। गेम का एम पहली 9 कैरम मैन को क्वीन के साथ अपने ओपोनेंट से पहले कलेक्ट करना होता है। गेम का सेटअप। क्वीन को कैरम बोर्ड के सेंटर में और 6 पीसेस को व्हाइट और ब्लैक अल्टरनेट ऑर्डर में क्वीन को सर्कल करते हुए रखा जाता है। सर्कल के बाहर की साइड बचे हुए 12 पीसेस को व्हाइट एंड ब्लैक अल्टरनेट ऑर्डर में रखा जाता है। पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि व्हाइट पीसेस का वाई फॉर्म हो, क्वीन सेंटर में होनी चाहिए और ऊपर के 2 सेगमेंट्स पॉकेट्स की तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए। अरेंजमेंट आउटर सर्कल के बाहर नहीं आनी चाहिए। अब बताते हैं कि पहले कौन खेलता है, पहले कौन खेलेगा। आप कॉइन को टॉस कर सकते हैं या आपके ओपोनेंट ने किस हाथ में प्लेइंग पीस को होल्ड किया हुआ है। स्ट्राइकिंग के बेसिक रूल्स। प्लेयर की कलाई या बाजू के अलावा बॉडी का कोई भी पार्ट कैरम बोर्ड के साथ टच नहीं होना चाहिए। प्लेयर अपने दोनों हैंड्स में से किसी भी हैंड के इंडेक्स, मिडिल या दोनों फिंगर्स का यूज करके स्ट्राइकर को स्ट्राइक कर सकता है। बैकवर्ड शॉट्स के लिए थंब का यूज किया जा सकता है या फिर बेसलाइन के साथ टच कर रहे पीसेस को स्ट्राइक करने के लिए रिबाउंड शॉट्स का यूज किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं फाउल्स और पेनल्टीज के बारे में। जब किसी प्लेयर का फाउल होता है तो उसका टर्न खत्म हो जाता है और तुरंत पेनल्टी भी दी जाती है। पेनल्टी के तौर पर एक पॉकेटेड पीस को सर्कल में कहीं भी प्लेस करना पड़ता है। फाउल्स को इन सभी सिचुएशंस में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर स्ट्राइकर होल पॉकेट में चला जाए, अगर प्लेयर पहले ही स्ट्राइक में क्वीन को पॉकेट कर ले, अगर प्लेयर अपने पीस के साथ ही स्ट्राइकर को भी पॉकेट ले जाए, अगर स्ट्राइकर या कोई अदर पीस बोर्ड के बाहर चला जाए, अगर प्लेयर क्वीन के साथ ओपोनेंट के पीस को पॉकेट कर ले तो क्वीन के साथ अपने एक पीस की पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। अगर प्लेयर क्वीन के कवर होने से पहले ही अपने फाइनल पीस को भी पॉकेट कर लेता है, अगर प्लेयर ओपोनेंट के फाइनल पीस को पॉकेट कर लेता है तो ओपोनेंट के पीस के साथ अपने एक पीस की पेनल्टी भरनी पड़ती है। अगर आपका स्ट्राइकर सिर्फ ओपोनेंट के कैरम मैन को ही टच करता है तो भी फाउल होगा। आपको कम से कम एक कैरम मैन या क्वीन को टच करना जरूरी होता है। अगर पेनल्टी के टाइम पर कोई पीस अवेलेबल नहीं होता तो पेनल्टी पेंडिंग रहती है जब तक कि पीस अवेलेबल नहीं होता। अगर ओपोनेंट नेक्स्ट टर्न स्टार्ट करने से पहले ऐसा करना भूल जाता है तो सारी पेंडिंग पेनल्टीज माफ हो जाती है। इन सभी सिचुएशंस में प्लेयर अपना टर्न खो देता है। अगर प्लेयर कैरमन को हिट करने के लिए स्ट्राइकर को पुश करता है, अगर प्लेयर की आर्म्स बोर्ड पर बनी डायगनल फाउल लाइन को क्रॉस करती हैं, अगर प्लेयर अपने 3 अटेम्प्ट्स में भी करेक्टली ब्रेक नहीं कर पाता, अगर प्लेयर स्ट्राइकर के अलावा किसी दूसरे पीस को टच कर देता है। चलिए गेम शुरू करते हैं। एक प्लेयर को सभी ब्लैक पीसेस को पॉकेट करना होता है और एक प्लेयर को सभी व्हाइट पीसेस को पॉकेट करना होता है। कैरम मैन को शूट करने के लिए स्ट्राइकर इस तरह से प्लेस होना चाहिए कि वो दोनों बेस लाइंस को टच करे।
या फिर स्ट्राइकर बेस लाइन स्टैंड में बने रेड सर्कल्स पर प्लेस्ड होना चाहिए। जब एक प्लेयर स्ट्राइकर के साथ कैरामैन के सर्कुलर पैटर्न को स्ट्राइक कर देता है तो गेम स्टार्ट हो जाता है। एक सिंगल प्लेयर या टीम को पूरी गेम में सिर्फ एक ही कलर के पीस को स्ट्राइक करना होता है और उनको जितना जल्दी हो सके पॉकेट करना होता है। हर प्लेयर के पास एक राउंड में सिंगल चांस होता है। अगर प्लेयर अपने पीस को पॉकेट कर लेता है तो उसे एक एक्स्ट्रा चांस मिलता है क्वीन की कवरिंग। एक प्लेयर क्वीन को तभी पॉकेट या कवर कर सकता है अगर उसने ऑलरेडी अपने कलर के एटलीस्ट एक पीस को कवर कर लिया हो। क्वीन के पॉकेट होने के बाद उसे कवर करने के लिए उस प्लेयर को अपने किसी एक कैरमैन को पॉकेट करना होता है। अगर प्लेयर ऐसा नहीं कर पाता है तो उस क्वीन को फिर से सेंटर में प्लेस करना पड़ता है। अगर प्लेयर एक ही टर्न में क्वीन के साथ ही अपने पीस को पॉकेट कर लेता है तो ये माना जाएगा कि उसने क्वीन कवर कर ली है। गेम को कैसे जीता जा सकता है? गेम के एंड में बोर्ड पर बचे हुए ओपोनेंट के हर पीस पर विनर को एक स्कोर मिलता है। क्वीन को करेक्टली कवर करने वाले प्लेयर के एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स ऐड होते हैं। गेम टोटल 29 पॉइंट्स या 8 बोर्ड्स में खेली जाती है।